का पार्ट 6 समास। कल हमने किया था पार्ट 5 उपसर्ग और प्रत्यय, उसकी प्रश्नोत्तर और एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज हम करेंगे पार्ट 6 समास और उसके भी प्रश्नोत्तर एक्सरसाइज करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। समास, समास क्या है? सबसे पहले समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों का मेल करके उनके उन्हें संक्षिप्त करने की प्रक्रिया समास कहलाती है। कि दो या दो से अधिक जब शब्द होते हैं उनको मिलकर उनका संक्षिप्त रूप करना ही समास प्रक्रिया है। या फिर हम कह सकते हैं कि परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों का मेल समास कहलाता है। जिस प्रकार से उदाहरण देखिए, राजा का महल, इसको संक्षिप्त में लिखा हमने राजमहल। तो समास विग्रह, समस्त पद का विग्रह करके पूर्व स्थिति में लाना समास विग्रह कहलाता है। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर। समस्त पद है दो या दो से अधिक पद मिलकर जो संक्षिप्त रूप बनाते हैं वो समस्त पद कहलाता है। जैसे घोड़े पर सवाल का संक्षिप्त रूप हो गया घुड़ सवार। संधि और समास में अंतर क्या है? संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तित होता है जबकि समास नहीं। संधि का संधि विच्छेद होता है जबकि समास का समस्त पद का विग्रह होता है। और जो समस्त पद है उसमें दो पद होते हैं, पहले पद को पूर्वगत पद कहते हैं तथा दूसरे पद को उत्तर पद कहते हैं। अब है समास के भेद। समास है उसके 6 भेद हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारी समास, द्विगु समास, द्वंद समास और बहुव्रीहि समास के बारे में बेटा हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अव्ययी भाव समास, जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय या संपूर्ण सामासिक पद भी क्रिया विशेषण अव्यय का ही तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्यय हमने किया था कि विकारी और अविकारी शब्द थे बेटा, जो अविकारी शब्द होते हैं उन्हें अव्यय भी कहते हैं। तो इसमें पहला पद अव्यय होता है और पहला पद ही इसमें प्रधान होता है। जैसे यथाशक्ति में यथा अव्यय है, विग्रह करने पे बनना इसका शक्ति के अनुसार। यथा संभव, जैसा संभव हो। आजीवन, जीवन पर्यंत। आमरण, मरण तक। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। भर पेट, पेट भरकर। हाथों हाथ, हाथी हाथ में। इस प्रकार से दूसरा है आपका तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है और समस्त पद बनाते समय दोनों पदों के बीच में परसर यानी कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। जब हम समस्त पद बनाते हैं तो इसमें कारक चिन्ह का लोप हो जाता है। तत्पुरुष का अर्थ है उसका आदमी, जैसे राजा का राजकुमार, इसका विग्रह करेंगे राजा का कुमार। तो ये जो कारक की विभक्ति हमारी आप ने सभी ने करी होंगी, कर्ता ने कर्म को कर्ण से, तो ये जो विभक्तियां हैं को से के लिए, तो यही क्या है कारक की, इन्हीं विभक्तियों का लोप होता है और इन्हीं कारक के अनुसार इसके नाम भी रखे गए हैं। कारक के विभक्तियों के नामों के अनुसार तत्पुरुष के 6 भेद कर दिए। जैसे कर्म तत्पुरुष, जिसमें कारक की विभक्ति क्या लग रही है, कर्म लग रही है। जैसे यश प्राप्त, यश को प्राप्त, तो ये जिसमें को लग रही है वो कर्म तत्पुरुष हो गया। करण में से, जिसमें से लग रहा है वो करण तत्पुरुष हो गया। संप्रदान के लिए, जिसमें विग्रह करने पर के लिए आ रहा है वो संप्रदान। अपादान से, पथ भ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट यानी अलग होने का जहां भाव आ रहा है वहां अपादान तत्पुरुष। संबंध, लक्ष्मीपति, लक्ष्मी का पति, गंगा जल, गंगा का जल, जहां पर का की आ रहा है वहां पर क्या जाएगा आपका संबंध तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष, शरणागत, शरण में आगत, घोड़े पर सवार, अधिकरण में मेयर पर होता है तो घोड़े पर सवार। फिर है आपका कर्मधारी समास, जिस समस्त पद में दोनों पदों में विशेषण विशेष्य अथवा उपमेय उपमान का संबंध हो वहां पर कर्मधारी समास होता है। कि विशेषण विशेष्य यानी जिसकी विशेषता बताई जा रही है और जो विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण विशेष्य। उपमान उपमेय यानी जहां पर तुलना की जाए वहां पर क्या होगा आपका उपमेय उपमान। तो कर्मधारी में दो ही प्रकार के शब्द होंगे कि या तो जहां पर विशेषता विशेषण विशेष्य हो और दूसरा उपमेय उपमान वाले। जैसे नील कमल, तो यहाँ पर कमल की विशेषता क्या बता रहे हैं कि वो कैसा है, नीला है। तो नीला तो विशेषण हो गया, कमल क्या हो गया, विशेष्य हो गया। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख, मुख की तुलना किससे की है, चंद्रमा से। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान हो गया। तो कर्मधारी समास में दो तरह के आपके शब्द मिलेंगे। नील गाय, नीले रंग की गाय या नीली है जो गाय। महाराज, महान है जो राजा या महान राजा। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, मिर्च की विशेषता की वो काली है। उपमेय उपमान में चरण के समान, कमल के समान चरण, चरण की तुलना किससे कर दी, सॉरी कम, हाँ चरण की तुलना किससे कर दी, कमल से। विद्या ध्यान, विद्या रूपी धन। चंद्रमुख, चंद्रमा के समान मुख। द्विगु समास, समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है। जैसे द्विगु समास में क्या होगा कि जो पहला पद है वो संख्यावाची होगी यानी जो पहला शब्द है वो कोई ना कोई संख्या का होगा। जैसे त्रि,
शप नव नव पंच चौ सत। तो और जब हम इसका विग्रह करेंगे तो समूह या समाहार लगाएंगे, जैसे त्रिलोक तीन लोकों का समूह, सप्तऋषि सात ऋषियों का समूह, नवरत्न नौ रत्नों का समूह। फिर आपका द्वंद समास। द्वंद समास में क्या होता है, जिस समास पद में दोनों पद समान स्तर के हों, दोनों पद प्रधान हों, वहां तत्पुरुष समास होता है। समास पद बनाते समय ए और एवं तथा का योजक लगता है। माता पिता, माता और पिता, राधा कृष्ण, राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन। अब है लास्ट आपका बहुरी समास। जिस समास पद का पूर्व पद उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद प्रधान न हो और किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत करते हैं, वहां बहुवरी समास होता है। कि इसमें दोनों ही पद प्रधान न होकर किसी अन्य की ओर संकेत किया जाता है, जिस प्रकार से हमने योग रूढ़ शब्द पढ़े थे बेटा वैसे। चक्रधर चक्र को धारण करने वाला अर्थात श्री कृष्ण। पीताम्बर पीला पीले अंबर है जिसके, या पीले वस्त्र है जिसके, श्री कृष्ण। तो यहाँ पर दोनों ही पद प्रधान नहीं होकर बल्कि हम किसी अन्य की ओर यहाँ पर क्या करते हैं, संकेत करते हैं, वहां पर बहुव्रीहि समास होता है। अब है आपके प्रश्न उत्तर। पहला प्रश्न है, समास से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। तो समास क्या है, रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम समास कहते हैं। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को हम क्या कहते हैं, समास पर कहते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे घोड़े पर सवार, घुड़सवार। दूसरा प्रश्न है, समास के कितने भेद हैं और प्रत्येक का एक एक उदाहरण लिखिए। तो समास के छह भेद हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास। और एक एक उदाहरण है इसका, जैसे आजीवन, जीवन भर, राजपुत्र, राजा का पुत्र। तो ये सभी इसकी क्या है, उदाहरण है। अगला प्रश्न है, संधि और समास में क्या अंतर है। अंतर है, संधि में वर्णों का मेल होता है जबकि समास में शब्दों का मेल होता है। संधि का संधि विच्छेद होता है जबकि समास का समास पद का विग्रह होता है। आगे है, कर्मधारय और बहुव्रीहि में अंतर स्पष्ट कीजिए। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। तो बहुव्रीहि समास में किसी तीसरे पद की ओर संकेत होता है तथा कर्मधारय समास में विशेषण, विशेष्य अथवा उपमान, उपमेय का मेल होता है। उदाहरण के रूप में, लंबोदर लंबा, उदर लंबा पेट, कर्मधारय लंबोदर। दूसरा इसी का उदाहरण है कि लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। आगे है फिर बेटा, सेम प्रश्न ही आपको दोबारा से लिख दे रखा है कि बहुव्रीहि और कर्मधारय में उदाहरण देकर अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको ये सारे प्रश्न हो गए। अब है आपकी एक्सरसाइज, इसमें समस्त पद इनका दे रखे हैं आपको विग्रह करना और नाम बताना है। पाप पुण्य, पाप और पुण्य, द्वंद समास, घुड़सवार घोड़े पर सवार, तत्पुरुष समास, आजीवन जीवन भर, अव्ययी भाव समास, नील गाय नीले रंग की गाय, कर्मधारय गाय, कर्मधारय समास, दशानन दस आनंद जिसकी, बहुव्रीहि समास, पंचवटी पांच वटियों का समूह, द्विगु समास, पुस्तकालय पुस्तक का आलय, तत्पुरुष समास, नवग्रह नौ ग्रहों का समूह, द्विगु समास, दाल रोटी दाल और रोटी, द्वंद समास, तिरंगा तीन रंगों का समूह, द्विगु समास। अब हमें यहाँ पर समस्त पद बनाना है और नाम लिखना। हस्त से लिखित तो से हटा देनी है, हस्त लिखित तत्पुरुष समास, जेब के लिए खर्च जेब खर्च तत्पुरुष समास, भीम और अर्जुन भीम अर्जुन द्वंद समास, देह रूपी लता देह लता, कर्मधारय समास, चक्र धारण कर रखा है जिसने, चक्रधर बहुव्रीहि समास, मरण तक आमरण अव्ययी भाव समास, नीला कंठ है जिसका, शिवजी नीलकंठ, बहुव्रीहि समास। अब है नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित शब्द के लिए समस्त पदों का प्रयोग करते समय पुनः वाक्य लिखिए। तो हमें जो ये समस्त पद का समूह दे रखा है, इसका समस्त पद बना के दोबारा लिखना है। रातों रात ही रात में क्या हो गया, रमेश रातों रात नेता बन गया, राष्ट्रपति का भवन। तो यहाँ कल हम राष्ट्रपति भवन देखने गए, पिताजी ने मुझे जेब के लिए खर्च का हो गया जेब खर्च, पेट भर कर भर पेट हो गया, माता पिता माता और पिता का माता पिता हो गया। सही उत्तर लिख के आगे निशान लगाना। हमें राजपुत्र में समास हो गया आपका तत्पुरुष समास क्योंकि राजा का पुत्र। दाल रोटी में द्वंद समास दाल और रोटी। बहुव्रीहि समास का कौन सा पद प्रधान होता है, अन्य पद। यहाँ पर हमें इनका जो अंडरलाइन कर रखा है इसको विग्रह करना है। तुलसीकृत तुलसी से कृत या तुलसी द्वारा कृत, इन वाक्यों को आप दोबारा से लिखोगे कि रामचरितमानस तुलसी से कृत रचना है। गंगा यमुना गंगा और यमुना पवित्र नदियां हैं।
मेरा मित्र पथ भ्रष्ट यानी पथ से भ्रष्ट होता चला जा रहा है। यथाशक्ति शक्ति के अनुसार मैं शक्ति के अनुसार काम करता हूँ। तो ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। आपको इसके प्रश्न उत्तर हैं वो नोटबुक में नोट करने और एक्सरसाइज है वो बुक में फिल करनी है। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, इन द यस्टरडे क्लास वी हैव कंप्लीटेड द रिवीजन ऑफ चैप्टर 5। सो टुडे वी विल स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर 6 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। दिस इज अवर सिलेबस चैप्टर, चैप्टर नंबर 6। सो लेट्स स्टार्ट नाउ चैप्टर नंबर 6 एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। फर्स्टली डेफिनेशन ऑफ एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। डेफिनेशन क्या है? इट इज बिल्ट अप फ्रॉम कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स एंड द ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। अब क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है हमारे कॉन्स्टेंट और वेरिएबल्स का, और जो कनेक्ट होते हैं हमारे किससे, मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। ये हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स है प्लस माइनस मल्टीप्लाई और डिवाइड, इन सबसे कनेक्ट होके हमारा एक एक्सप्रेशन बनता है। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है 2x प्लस 50। अब देखो जो 50 है इसकी वैल्यू फिक्स है, ये चेंज नहीं होगा, 50 है तो 50 ही रहेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, कॉन्स्टेंट। ये क्या हो गया, कॉन्स्टेंट। तो यहां से हम इसकी डेफिनेशन भी कर सकते हैं, द नंबर हुज वैल्यू इज फिक्स, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है वो क्या होते हैं हमारे, कॉन्स्टेंट। और यहां हमने ऑब्जर्व किया 2x। अब देखो जो ये x है इसकी वैल्यू वेरी करेगी, कभी हम इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे, कभी x की वैल्यू 2 पुट करेंगे, कभी -1 पुट करेंगे, कभी -3 पुट करेंगे। सपोज इसकी वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या आएगा, 2 1 2 हो जाएगा। अगर मैंने इसकी वैल्यू -1 पुट करी तो क्या हो जाएगी, -2 हो जाएगी। -2 पुट करती हूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 2 4 -4 हो जाएगा। इट मीन्स इसकी वैल्यू जो है वो वेरी करेगी, चेंज होती रहती है, तो इसलिए ये क्या होता है, वेरिएबल होता है, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, वेरिएबल हुज वैल्यू इज नॉट फिक्स, तो वो क्या होता है, वेरिएबल। तो अब हम इसको ये कह सकते हैं वेरिएबल, ये क्या हो गया हमारा, वेरिएबल। अब देखो वेरिएबल है और ये कॉन्स्टेंट है, अब इसको कनेक्ट किसने किया है, मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस ने, ये प्लस साइन से हमारा कनेक्ट हो गया है। और अब इस पूरे कॉम्बिनेशन को, जो ये पूरा कंबाइन हुआ है हमारा 2x प्लस 50, दिस इज आवर एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन। ये हमारा क्या बन गया है, एल्जेब्राइक एक्सप्रेशन बन गया है, जो क्या है, बिल्टअप है किससे, हमारे कॉन्स्टेंट और वेरिएबल से, और कनेक्ट हुआ है हमारा मैथमेटिकल ऑपरेटर से। इसके प्लेस पे माइनस भी हो सकता है। अब 2 और x के बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, हमारे पास यहां भी मैथमेटिकल ऑपरेटर है, तो क्या हो गया, इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हम क्या राइट करेंगे नोटबुक में, इट इज बिल्ट अप फ्रॉम कॉन्स्टेंट एंड वेरिएबल्स एंड ऑपरेशन प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड। और एग्जाम्पल हमने दे दिया 2x प्लस 50, वेयर 2x इज वेरिएबल, प्लस इज अवर मैथमेटिकल ऑपरेटर एंड 50 इज कॉन्स्टेंट। सो नेक्स्ट टर्म, नाउ फैक्टर्स ऑफ टर्म। अब हम क्या पढ़ेंगे, फैक्टर्स ऑफ टर्म क्या होती है, पहले हम पढ़ते हैं टर्म होता ही क्या है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारी टर्म क्या होती है, व्हेन प्लस और माइनस साइन सेपरेट एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू पार्ट्स। जो हमारे मैथमेटिकल ऑपरेटर है माइनस और प्लस, ये हमारे एक्सप्रेशन को पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, वो क्या होती है, टर्म होती है। देखो 5x स्क्वायर माइनस 6y स्क्वायर x और प्लस 8y। अब इस ऑपरेटर ने इसको अलग कर दिया ना, तो ये क्या हो गई, एक टर्म हो गई है, 5x स्क्वायर एक टर्म हो गई है, 6y स्क्वायर x भी एक टर्म हो गई है, 8y भी क्या हो गई है, टर्म हो गई है। तो अब हम कह सकते हैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में 3 टर्म्स है, 5x स्क्वायर, 6y स्क्वायर x और 8y, ये तीनों क्या हो गई, हमारी टर्म हो गई है, जो मैथमेटिकल ऑपरेटर प्लस और माइनस इनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देता है एक्सप्रेशन को, वो क्या होती है हमारी, टर्म्स। तो ये हमारी टर्म हो गई है। अब हमें करना है फैक्टर्स ऑफ टर्म, फैक्टर करने हैं। अब इसके फैक्टर करने, ये हमारे पास कोई एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को अब हम फैक्टर्स कैसे बनाएंगे। अब देखो ये क्या बन जाएगा, ये 3 टर्म्स हो गई इसमें से, ये हमारी 3 टर्म्स हो गई है 5x स्क्वायर। अब इसको क्या लिख सकती हूं मैं, 5x और x हो जाएगा ये हमारा 5xx, इसके फैक्टर बन गए हैं सेपरेटली। अब इसको मैं क्या राइट कर सकती हूं, 6yyx, अलग अलग रख दिए। अब 8y को क्या राइट कर सकते हैं हम, 8 और y, ये हम इसको राइट कर सकते हैं हम इसको। तो ये हो गए हमारे फैक्टर्स ऑफ टर्म, यानी कि 5x स्क्वायर के फैक्टर बना दिए हमने 5xx, 6y स्क्वायर x के फैक्टर बन गए 6yyx,
अब यहाँ देखो माइनस साइन है तो हम यहाँ पे माइनस भी पुट करेंगे, सिंबल भी हमारा साथ रहेगा, 8y के फैक्टर हो जाएंगे 8y। तो ये हो गया हमारा फैक्टर्स ऑफ टर्म। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नाउ कोफिशियंट्स। अब देखो कोफिशियंट्स क्या होते हैं, कोफिशियंट हमारे अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में टू टाइप्स के होते हैं, एक होता है न्यूमेरिकल कोफिशियंट और एक होता है हमारा लिटरल कोफिशियंट। न्यूमेरिकल से तो अंडरस्टूड है कोई नंबर ही होगा हमारा, कि कोई भी हमें टर्म गिवन है उस टर्म में हमें वो नंबर देखना है क्या है। और लिटरल क्या हो जाएगा, जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं वो हमारे सारे क्या होंगे, लिटरल होंगे, जिनकी वैल्यू वेरी करती रहती है वो हमारे लिटरल्स होंगे। तो मैंने एक एग्जाम्पल लिया, हम इसको एग्जाम्पल से अच्छे से समझते हैं। 36 एक्स स्क्वेयर वाई है हमारे पास, सपोज करो ये हमारे पास एक नंबर दे दिया हमने, एक टर्म हमारे पास गिवन है, ये हमारी एक टर्म है। तो अब हमें इसको क्या करना, न्यूमेरिकल कॉफिशियंट बताना। मैं बोलती हूँ कि इसका मुझे न्यूमेरिकल कॉफिशियंट बताओ, तो हम इस हम कहेंगे इस टर्म में क्या है, न्यूमेरिकल कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वेयर वाई इज 36। तो न्यूमेरिकल कॉफिशियंट क्या है इसका, 36। तो हम इसमें राइट करेंगे द न्यूमेरिकल कॉफिशियंट ऑफ द टर्म 36 एक्स स्क्वेयर वाई इज 36। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि लिटरल कोफिशियंट क्या है, लिटरल हमें यानी कि वो अल्फाबेट्स हमें इसमें बताने, तो लिटरल क्या है इसमें हमारे पास, एक्स स्क्वेयर वाई, ये हमारा क्या है लिटरल, ये हमारे लिटरल हो जाएंगे और ये हमारा न्यूमेरिकल कोफिशियंट है। अगर बात करें लिटरल की तो आपको ये राइट करना है, और न्यूमेरिकल पूछा जाए तो नंबर्स राइट करने आपको कोफिशियंट में। अब जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे तो और अच्छे से समझ आ जाएगा, ये सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन करा रही हूं अभी इन सबसे। चलो नेक्स्ट करते हैं हम लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। लाइक एंड अनलाइक टर्म्स, लाइक क्या होती है, टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स, वो टर्म जिसमें लिटरल फैक्टर हमारे सेम हो। तो अभी मैंने पिछले उसमें कोफिशियंट में बताया था कि लिटरल क्या होते हैं, जो भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं। अब देखो यहां हमें ऑब्जर्व करना है कि वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर है, वाई भी हमारे पास 2 और एक्स की भी पावर 2 है, तो जो इसके साथ दूसरी टर्म है उसमें भी वाई की पावर 2 है और एक्स की पावर 2 है। इट मीन्स जो हमारे लिटरल है दोनों के लिटरल क्या है, सेम है। अगर ये लिटरल हमारे सेम हो तो हम कहेंगे बोथ आर लाइक टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगी हमारी लाइक टर्म, टर्म्स हैविंग सेम लिटरल फैक्टर्स आर कॉल्ड लाइक टर्म्स, तो ये क्या हो जाएगी लाइक। अब इसी तरह से हम कहते हैं टर्म्स हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स, अगर उनके लिटरल क्या हो जाए, डिफरेंट हो जाए, डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स हो जाए, तो वो क्या हो जाएगी हमारी अनलाइक। सपोज करो मैं यहां पे लिटरल में एक और ऐड कर देती हूँ जेड, तो अब ये देखो इसका लिटरल क्या हो जाएगा, वाई स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर जेड, और इसमें क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर है, यहाँ पे जेड नहीं है, तो लिटरल क्या हो गए, डिफर कर गए हैं, तो लिटरल सेम नहीं है, तो ये क्या हो जाएगी हमारी अनलाइक टर्म हो जाएगी। तो लाइक टर्म्स में क्या होंगे हमारे, लिटरल होंगे सेम, और अनलाइक में क्या होंगे, डिफरेंट लिटरल फैक्टर्स होंगे हमारे। सो नाउ टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब देखो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट है हमारा मोनोमियल। मोनो का मतलब क्या होता है, सिंगल हो जाएगा, मोनो मीन्स वो एक्सप्रेशन जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, हैविंग ओनली वन टर्म आर कॉल्ड मोनोमियल। एग्जाम्पल में जैसे हम लेते हैं 8x2y, सिर्फ एक ही टर्म है तो क्या बोला जाएगा, ये मोनोमियल हो जाएगा। बाइनोमियल में क्या होगा, एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स, बायो का मतलब क्या हो जाएगा, टू टर्म्स, तो इसमें हो जाएगा 2x2 + 3y, तो क्या हो जाएगी, टू टर्म्स हो गई, 2x2 एक टर्म हो गई और 3y भी क्या हो गई है, एक टर्म, तो 1 + 1 2 हो गई, टू टर्म्स। एक्सप्रेशन हैविंग टू टर्म्स आर कॉल्ड बाइनोमियल। एक्सप्रेशन हो जाएगा मोनोमियल में तो ओनली वन टर्म, बाइनोमियल में टू टर्म्स, इसी तरह से ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, हैविंग थ्री टर्म्स, इसमें हमारे पास कोई भी थ्री टर्म्स हो सकती है, x² + 7y + 14। अब हमारे पास थ्री टर्म्स हो गई है, अब देखो एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया है, 7y भी एक टर्म्स हो गया है और 14 भी एक टर्म हो गया है। वो एक्सप्रेशन जिसमें थ्री टर्म्स हो तो वो क्या हो जाएगा, ट्राइनोमियल। और पॉलीनोमियल क्या होता है कि एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग मोर देन थ्री टर्म्स आर कॉल्ड पॉलीनोमियल, जिसमें थ्री टर्म्स से ज्यादा हो जाए। सपोज करते हैं 5x³ + 2x² + 5x + 7, तो क्या हो गया, मोर देन थ्री टर्म्स हो गया है, मोर देन थ्री टर्म्स होंगे तो क्या हो जाएगा, वो हमारा पॉलीनोमियल। अब टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक क्या हो जाएंगे हमारे, मोनोमियल हैविंग ओनली वन टर्म, बाइनोमियल हैविंग टू टर्म्स, ट्राइनोमियल हैविंग थ्री टर्म्स, एंड पॉलीनोमियल हैविंग मोर देन थ्री टर्म्स आर कॉल्ड पॉलीनोमियल। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 6.1। नाउ एक्सरसाइज 6.1, क्वेश्चन नंबर 1, आइडेंटिफाई वेरिएबल एंड कॉन्स्टेंट फ्रॉम दी
फॉलोइंग, हमें आइडेंटिफाई करना है कि वेरिएबल कौन सा है और कॉन्स्टेंट कौन सा है इन टर्म्स में. सपोज हमारे पास देखो फर्स्ट दिया 15/7x, ये हमारे पास एक टर्म गिवन है, इसमें हमें बताना है कि वेरिएबल क्या है और कॉन्स्टेंट क्या है. तो हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं वेरिएबल और यहां हो जाएगा हमारा कॉन्स्टेंट. तो वेरिएबल क्या है हमारे पास, वेरिएबल है 15 वेरिएबल है हमारे पास x, जिसकी वैल्यू वेरी करती हो, और कॉन्स्टेंट जिसकी वैल्यू फिक्स हो. तो 15/7 हमारा कॉन्स्टेंट हो गया है. क्वेश्चन ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट का हो गया. सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, -8x²y. तो इसमें वेरिएबल क्या है, यानी कि लिटरल क्या है हमारे पास, x²y. तो वेरिएबल के प्लेस पे राइट करेंगे x²y और कॉन्स्टेंट क्या है, -8. ये वैल्यू फिक्स है. तो यहां हमने, जब मैंने आपको वेरिएबल और कॉन्स्टेंट एक्सप्लेन किया था, तो मैंने बताया था वेरिएबल वो होते हैं जिनकी वैल्यू वेरी करती है, हर बार वैल्यू चेंज होती है. अब एक्स की वैल्यू कुछ भी पुट करेंगे तो यहाँ पे पूरा टर्म की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी. और 15/7 जो है वो फिक्स है, उसकी वैल्यू फिक्स है. एक्स की वैल्यू कभी -1, कभी -2 या फिर 4, 5 कुछ भी पुट कर सकते हैं. इसी तरह से सेकंड वाले में भी, तो वेरिएबल क्या है, x²y है और 8 क्या हमारा फिक्स है. तो ये हो गए हमारे वेरिएबल और कॉन्स्टेंट हो गए हैं. आई होप आप सबको ये समझ आ गया है. थैंक यू. Welcome to our online classes. This is for class 7. In previous class, we have completed our short question answer of chapter number 4. And today we start our class with the long question answer of chapter 4, named Government in the States. Ki rajyo ke andar sarkar, theek hai? Ek to kendriya sarkar hoti hai, central government hoti hai. Dusra hai ki jo rajya sarkar hoti hai. Our, let we start our class. Our first question is, how does the government function at three levels? कि जो हमारी सरकार है उसके जो three levels हैं, ठीक है, उनके ऊपर सरकार कैसे काम करती है. तो answer is, the three levels of government in India are, कि three levels हैं जो इंडिया के अंदर, वो क्या है, the union government, second the state government, third the local self गवर्नमेंट. तो आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे, द स्टेट गवर्नमेंट के बारे में पढ़ेंगे. ईच लेवल हैज डिवाइडेड इंटू थ्री ब्रांचेस, कि तीनों जो, मतलब कि प्रत्येक जो लेवल है वो तीन ब्रांचेस में बटा हुआ है. फर्स्ट है लेजिस्लेटर टू मेक लॉज, सेकंड है एग्जीक्यूटिव टू इम्प्लीमेंट द लॉ, थर्ड जुडिशरी टू प्रोटेक्ट द लॉ. कि जो विधायिका होती है वो नियम बनाती है, एग्जीक्यूटिव उनको इम्प्लीमेंट करती है, लागू करती है, और जुडिशरी उनका ध्यान रखती है. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ आर लॉज मेड, कि नियम कैसे बनते हैं. ए लॉ इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन द लेजिस्लेटर एज ए बिल, कि जो कोई नियम होता है, लॉ होता है, उसको सबसे पहले विधायिका में पेश किया जाता है एक बिल के रूप में. द बिल इज देन डिस्कस्ड, डिबेटेड एंड वोटेड बाय द लेजिस्लेटर. उसके बाद बिल के ऊपर डिस्कस होती है, डिस्कशन होता है, डिबेट होती है, और बाद में उसके ऊपर वोट डलती है विधायिका में ही. बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेटर, बिल को जब विधायिका के द्वारा पास कर दिया जाता है, हैव टू बी साइंड बाय द गवर्नर टू बिकम ए लॉ और एक्ट. उसके बाद गवर्नर के साइन होने के लिए उसको भेज दिया जाता है, और जब गवर्नर साइन कर देता है तो एक लॉ या नियम बन जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डिफ्रेंशिएट बिटवीन मनी बिल एंड ऑर्डिनरी बिल, कि मनी बिल और ऑर्डिनरी बिल के में हमें डिफरेंस बताना है. मनी बिल डील्स विद फाइनेंशियल मैटर्स एंड कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस्ड इन विधानसभा, कि मनी बिल जो होता है वो केवल जो वित्तीय मैटर्स होते हैं, वित्तीय मुद्दे होते हैं, उनके लिए होता है, और इसको केवल विधानसभा में ही पेश किया जाता है, जैसे स्टेट बजट. सेकेंड इज, ऑर्डिनरी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन आइदर हाउसेज, कि ऑर्डिनरी बिल को किसी भी हाउस में पास होने के लिए भेज दिया जाता है, इंट्रोड्यूस कराया जाता है. इफ द बिल इज पास्ड बाय बोथ हाउसेज, कि जब बिल दोनों सदनों में पास हो जाता है, देन इट इज सेंड टू द गवर्नर, फिर उसको गवर्नर के पास पास होने के लिए भेज दिया जाता है. नाउ आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, राइट ए नोट ऑन विधान परिषद, विधान परिषद के ऊपर हमें एक नोट लिखना है, एक टिप्पणी लिखनी है. विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द सेकेंड हाउस एंड परमानेंट हाउस ऑफ द लेजिस्लेटर, कि जो विधान परिषद है या लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो द्वितीय सदन है और परमानेंट हाउस है, ठीक है. और
द मेंबर्स आर नोन एज MLCs, कि इसके मेंबर्स MLCs कहलाते हैं, फुल फॉर्म है मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये, तो मेंबर जब लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर होंगे तो वो क्या कहलाएंगे, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। जैसे पार्लियामेंट के जो मेंबर्स होते हैं वो MP कहलाते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। इट कैन नेवर बी डिसॉल्व, ये कभी भी भंग नहीं होती, जैसे राज्यसभा कभी भंग नहीं होती वैसे ही विधान परिषद कभी भी भंग नहीं होती। द टेन्यूर ऑफ विधान परिषद इज 6 years एंड एवरी 2 years 1/3 ऑफ इट मेंबर्स रिटायर, कि प्रत्येक इसका जो कार्यकाल होता है वो 6 साल का होता है और प्रत्येक 2 साल में 1/3 सदस्य इसके रिटायर हो जाते हैं। प्रत्येक 2 साल में 1/3 होंगे, फिर 2 साल में 1/3 होंगे, फिर 2 साल में 1/3 होंगे, इस तरीके से 6वें साल सारे मेंबर न्यू हो जाएंगे और फिर वही प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए नोट ऑन विधान सभा, कि विधानसभा के ऊपर अब हमें एक नोट लिखना है। द लोअर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेटर इज नोन एज विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, कि जो निचला सदन होता है उसको स्टेट लेजिस्लेटर का जो निचला सदन होता है, क्योंकि जो विधान परिषद था वो अपर हाउस था, परमानेंट हाउस था, ये परमानेंट नहीं है, इसको विधानसभा या लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। द मेंबर्स आर कॉल्ड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और जो इसके मेंबर्स होते हैं उनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं। आपने देखा था कि लेजिस्लेटिव काउंसिल थी तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, अब लेजिस्लेटिव असेंबली है तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। द टेन्यूर इज 5 years, कार्यकाल 5 साल का होता है। द स्पीकर इज द प्रेजिडिंग ऑफिसर ऑफ द विधानसभा, और जो इसका स्पीकर होता है वो इसका मतलब कि संचालन करने वाला होता है। स्टूडेंट्स आवर 1 question इज रिमेनिंग, 2nd question, व्हाट शुड बी क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर टू क्वालिफाई एज वन, कि गवर्नर बनने के लिए किसी व्यक्ति की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तो इसको हम बुक में ही करेंगे। ठीक है, जहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट हो रहा है वहाँ पे आपका आंसर है पेज नंबर 221 पे, क्वालिफिकेशन ऑफ द गवर्नर, कि गवर्नर की क्या क्वालिफिकेशंस है। द गवर्नर मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया, कि गवर्नर इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। ही शी मस्ट बी एट लीस्ट 35 years old, कि उसको 35 साल का होना चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस और प्रॉफिट, नॉर बी ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेटर, कि ना तो वो स्टेट लेजिस्लेटर का सदस्य होना चाहिए, ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होना चाहिए, ना ही वो किसी सरकारी पद पे होना चाहिए, और ना ही उसको सरकार से कोई लाभ, वो मतलब सरकार के द्वारा किसी लाभ के पद पे हो। आई होप स्टूडेंट्स you understand this chapter very well, because we complete our civics portion, now we start our first chapter of history portion. We do the short question answer of this chapter in first book. The name of our first chapter is when, where and how. Now we start our first question. Name the clothing style that come into being in the medieval period. तो बेटा आप इसको बुक में भी कर सकते हो, नोटबुक में भी लिख सकते हो, कि मिडिवल पीरियड के अंदर क्या क्या मतलब क्लॉथिंग स्टाइल थी। तो द क्लॉथिंग स्टाइल दैट कम इनटू बीइंग इन द मिडिवल पीरियड वाज सलवार कमीज, कुर्ता पजामा, जरदोसी एंड एम्ब्रॉयडरी। ठीक है, ये इसके क्लॉथिंग स्टाइल थे। सेकेंड इज व्हाट डिड द पेंटिंग डिपिक्ट, ये हम बुक में करेंगे। तो आंसर इज The painting depict theme like court scenes, palace scenes, mythological tales and hunting scenes. बेटा आपको बुक में क्वेश्चन सर्च करने भी आने चाहिए, क्योंकि अभी आप 7th standard में हो तो आपको क्वेश्चन बुक के अंदर फाइंड आउट करने भी आने चाहिए। इसीलिए मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के रूप में 1-2 question बुक में सर्च करके भी बता देती हूँ, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है, आवर 3rd question इज व्हाट डू यू मीन बाई न्यूमिस्टिमेटिक्स, कि आप न्यूमिस्टिमेटिक के बारे में क्या जानते हैं। तो आंसर इज न्यूमिस्टिमेटिक रेफर्स टू द स्टडी ऑफ कॉइन्स। ठीक है, कि न्यूमिस्टिमेटिक क्या है, रेफर्स टू द स्टडी ऑफ कॉइन्स। आप इसको इतना छोटा भी कर सकते हो और आप इसको बड़ा भी कर सकते हो। एंड दिस स्टडी इज इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग एन एनालिसिस ऑफ द इकोनॉमी एंड पॉलिसी ऑफ द मिडिवल पीरियड। आप दोनों में कोई भी कर सकते हो, या तो आप शॉर्ट कर सकते हो या आप थोड़ा
लॉन्ग कर सकते हो. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द मोन्यूमेंट्स दैट केम इनटू बीइंग ड्यूरिंग दिस पीरियड्स, कि कौन कौन सी इमारतें मतलब इस टाइम में बनी थी, तो वो हमें उनके नेम बताने हैं. तो आंसर इज द पुराना किला, द रेड फोर्ट एंड जामा मस्जिद इन दिल्ली, ताजमहल इन आगरा, बृहदेश्वर टेम्पल इन तंजौर, हवा महल इन जयपुर. ऐसे ही बेटा आप अपने सारे क्वेश्चंस फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है, ऐसे ही आप अपनी बुक के कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चंस सारे आंसर बुक में ही होते हैं, तो आप उनको वहां से फाइंड आउट कर सकते हो. उसके बाद अपना फिफ्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर द आर्कोलॉजिकल सोर्सेज फ्रॉम विच वी हैव बीन एबल टू गैदर इंफॉर्मेशन ऑफ दिस पीरियड, कि क्या क्या आर्कोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिनसे हम इस काल के इंफॉर्मेशंस इकट्ठा कर सकते हैं. तो आंसर इज इंस्क्रिप्शंस, मोन्यूमेंट्स, पेंटिंग, न्यूमिस्टिमेटिक, कि ये सारी चीज़ें हैं जिनसे हम इस काल के बारे में पता लगा सकते हैं. नाउ वी डू द लॉन्ग क्वेश्चन आंसर ऑफ दिस चैप्टर. आवर फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन इज व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस वर ऑब्जर्व ड्यू टू द फ्यूजन ऑफ कल्चर, कि इस टाइम में मतलब इस टाइम क्या क्या चेंजेस कल्चर के अंदर क्या क्या चेंजेस देखने को मिले. आंसर इज मैनी पॉपुलर इंडियन फूड आइटम्स आर ए प्रोडक्ट्स ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट कल्चर्स, कि बहुत सारे जो खाना था, भोजन के जो बहुत सारे फूड आइटम्स हैं, इंडियन फूड आइटम है, वो पुराने टाइम से मतलब कि काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स ऑफ मिक्सिंग डिफरेंट कल्चर, मतलब जो पुराने टाइम में इंडिया के अंदर या आज के टाइम में भी आप देखते हो कि मिक्सिंग है सब कुछ, है ना, कि खाना भी मिक्सिंग है. हम कुछ इंडियन खाते हैं, कुछ हम दूसरी कंट्रीज़ का खाना खाते हैं, चाइनीज़ खाना खाते हैं. ठीक है, सेकेंड है डिफरेंट काइंड ऑफ क्लॉथ लाइक सलवार कमीज, कुर्ता पजामा, और बहुत सारे प्रकार के हम कपड़े पहनते हैं. इट ऑल्सो सीन इन द फील्ड ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, कि हम ये मतलब कि फ्यूजन ऑफ कल्चर मतलब कि बहुत सारे कल्चर्स का सम्मिश्रण कहाँ भी देख सकते हैं, कला और जो कलाकार होते हैं, जो शिल्पकार होते हैं जिन्होंने बड़े बड़े मोन्यूमेंट्स वगैरह बनाए, उनके उसमें भी देख सकते हैं. इन द फील्ड ऑफ रिलीजन, और हम रिलीजन्स के अंदर भी देख सकते हैं, धर्मों के अंदर भी बहुत सारे धर्म है हमारे देश में. तो बेटा आपको समझ में तो आ गया होगा ये क्वेश्चन. ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कोर्ट क्रॉनिकल्स, कि कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या होते हैं उनके बारे में हमें बताना है. कोर्ट क्रॉनिकल्स आर एन इम्पॉर्टेंट एंड टेक्सचुअल रिकॉर्ड, कि ये क्या होते हैं कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड होते हैं, लिखित में रिकॉर्ड होते हैं ये. ठीक है, जैसे एग्जाम्पल है तबाकत आई नासारी, तारिक आई फिरोजशाही, दीज रिकॉर्ड कंटेन हिस्ट्री ऑफ द रूलर्स एंड द रूलिंग डायनेस्टीज, की डायनेस्टीज, कि ये क्या करते हैं रिकॉर्ड रखते हैं जो राजा राज्य करता है और उसके साम्राज्य में क्या क्या था, कैसा क्या रूल करता था, उसकी जो पूरी एक डायनेस्टी होती है, तो उसके क्या क्या कैसे कैसे किस किस राजा ने क्या क्या रूल किया. ठीक है, अबुल फजल वाज ए फेमस कोर्ट क्रॉनिकल, और जो अबुल फजल Student, in our previous video, we have discussed the chapter first few contents of this chapter, like heterotrophic mode of nutrition and autotrophic mode of nutrition. Student, today we will discuss about the topic, that is the how the soil get replenished back into the how the nutrients get replenished back into the soil. So let's start our content. Student, our today's topic is nutrients are replenished in the soil. See how the nutrients get replenished back into the soil. Plants get their mineral nutrients from the soil. If plants or crop are grown continuously year after year, the soil loses its fertility and becomes poorer in nutrients. What happens, student? जो plants हैं और हम उसे continuously अगर उसी soil में grow करते रहते हैं, एक ही soil में हम different plants को grow करते रहते हैं, then they get their minerals nutrient from the soil. और क्या होता है कॉन्टिन्यूसली ग्रो करने पर लाइक ईयर आफ्टर ईयर द सॉइल लॉस इट्स फर्टिलिटी एंड बिकम इनफर्टाइल. एंड क्या होता है स्टूडेंट कि वो अपनी कॉन्टिन्यूसली जब हम उसमें प्लांट को ग्रो करते रहते हैं तो वो सारा न्यूट्रिएंट्स कंटेंट जो भी होता है
वो ले लेता है और फिर उसमें से सॉइल की फर्टिलिटी लॉस होने लगती है एंड आफ्टर व्हाट द रिजल्ट कम द क्रॉप यील्ड लेस ओके डिक्रीजिंग होने लगती है जो क्रॉप की यील्ड होती है. सो व्हाट वी शुड डू एंड व्हाट वी कैन डू लाइक द फार्मर्स अप्लाई मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स इन देयर फील्ड टू एनरिच द सॉइल फर्टिलिटी. Okay, then what the farmers do? They apply the manures and the fertilizers. Whether वो manure that is the compost prepared in their field वगैरह में और domestic waste से produce किया हुआ manure को apply करें, whether they use the fertilizer because fertilizers are so costly, so some of the farmers use manure, but the fertilizers are rich in specified nutrients. Okay, and manures जो होते हैं वो थोड़े कम उनके कंपेरिजन में होते हैं. सो दे कैन यूज द मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स फॉर देयर फील्ड टू एनरिच द सॉइल फर्टिलिटी. थस द एडिशन ऑफ मैन्योर एंड फर्टिलाइजर हेल्प इन रिप्लेनिशिंग ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सॉइल. ये क्या करते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स उनके सॉइल को रिप्लेनिश कर देता है. मीन्स जितने भी उसमें से न्यूट्रिएंट्स लॉस हुए होते हैं उसको बैक टू द सॉइल प्रोवाइड करते हैं. एंड these all are the method through which we can improve the fertility of our field. Okay, so the nutrients in the soil can be replenished by adopting these methods or these guidelines. The first one is using manure. Manures ko apply karke, fertilizers ko apply karke. The next one is crop rotation. Crop rotation friend ek aisa method hota hai jisme ki hum kya karte hain ek crop ko क्रॉप रोटेशन में स्टूडेंट देखिए क्या होता है कि इसमें हम ये ऐसा नहीं कि उसी फील्ड में एक ही टाइप की क्रॉप को ग्रो करेंगे. नेक्स्ट क्रॉप को रोटेट कर सकते हैं. लाइक समटाइम हमने उसमें वीट को ग्रो किया देन बाजरा लगा दिया या फिर हमने उसमें कुछ लेगुमिनियस क्रॉप्स लगा दी या फिर हमने उसमें कुछ अनदर क्रॉप लगा दी. तो हम अगर उस फील्ड में कॉन्टिन्यूसली एक ही जैसे सपोज दैट वीट को ही ग्रो किया हमने देन उसमें क्या होता है कि वीट को जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं वो कॉन्टिन्यूसली उससे लेता रहेगा. तो लेने से क्या होता है कि उसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है उसी न्यूट्रिएंट्स की. सो वी शुड रोटेट द क्रॉप दैट इज़ द क्रॉप रोटेशन मेथड बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनियस क्रॉप्स. लेग्यूमिनियस क्रॉप्स को ग्रो करके लाइक क्या होता है स्टूडेंट लेग्यूमिनियस क्रॉप्स में पीज ग्राम जितने भी आपके दाल वगैरह से रिलेटेड क्रॉप्स होती हैं दैट आर काउंटेड इन टू द लेग्यूमिनियस क्रॉप. तो हम उसको जैसे सपोज दैट वीट को ग्रो किया आफ्टर दैट मस्टर्ड लगा दी. मस्टर्ड के बाद फिर हमने क्या किया फिर से हमने राइस को ग्रो किया एंड आफ्टर दैट हमने उसमें अरहर चिक पी वगैरह कुछ इस टाइप का कर दिया. तो लाइक दैट दिस ऑल आर द फाइव ग्रोइंग लेग्यूमिनियस क्रॉप्स. एंड वन मैथड इज ऑल्सो हेयर द दैट इज द कीपिंग द फील्ड फैलो. तो आज के टाइम पे क्या होता है कि स्टूडेंट लोग पर्सन वॉन्ट टू अर्न अलॉट सो दे डिडंट लीव देयर फील्ड फैलो मतलब खेत को खाली छोड़ देना वो भी एक मैथड होता है. बाई दैट मैथड हम लोग ऑलरेडी सॉइल के जो न्यूट्रंट्स होते हैं उसको रिप्लेनिश कर सकते हैं. बट क्या होता है स्टूडेंट आज के टाइम पर हर पर्सन जो है वो मनी अर्न करना चाहता है वेदर वो फार्मर हो या वर्कर हो या वेदर वो एम्प्लॉयज हो बिजनेस मैन हो एनी वन ऑफ द पर्सन शुड बी देयर. सो हम उसको खेत को खाली नहीं छोड़ सकते तो बिकॉज फूड हमारे मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट में भी आता है. सो अगर हम इस तरीके से खेत को खाली छोड़ने लगेंगे तो फूड मतलब क्या होगा उसकी कमी हो जाएगी स्कैसिटी हो जाएगी. सो हम ऐसा रेयरली करते हैं. तो हम उसमें फीड फैलो में क्या होता है कि हमने एक सीज़न में एक क्रॉप को ग्रो की एंड नेक्स्ट सीज़न में हमने उसको खेत को खाली छोड़ दिया तो उसमें जो बैक्टीरिया होते हैं जर्म्स होते हैं उससे वो सॉइल को दोबारा से उसकी फर्टिलिटी रिगेन करवा देते हैं. तो हम इस तरीके की सिचुएशन को नहीं कर सकते. ओके द नेक्स्ट इज सेप्रोफाइट्स एक्ट अपॉन डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड ब्रेक इनटू द सिंपलर सब्सटेंस व्हिच कैन बी यूज्ड बाय ऑर्गेनिजम्स. तो सेप्रोफाइट्स जो होते हैं वो क्या करते हैं डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड करते हैं. तो जितने भी हमारे फील्ड में कोई भी डेड एनिमल्स या कुछ भी ऐसा हम खेत को काटने के बाद उसमें जो उसकी डंडियाँ वगैरह होती हैं जो रिमेनिंग्स ऑफ द रेजिड्यू होती हैं प्लांट्स को उसको छोड़ देंगे तो उसको जो सेप्रोफाइट्स होते हैं वो डेड कर देते हैं और उसको सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं. तो उससे क्या होता है उससे भी सॉइल की फर्टिलिटी रिगेन होती है. द नेक्स्ट वन इज़ बैक्टीरिया ब्रेक डाउन प्रोटीन फ्रॉम द डेड प्लांट्स एंड मिनरल्स इन टू नाइट्रेट. तो बैक्टीरिया कुछ नाइट्रो फिक्सर बैक्टीरिया होते हैं जो सॉइल में होते हैं तो वो क्या करते हैं कि जो मतलब डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स होते हैं उनके प्लांट की जो प्रोटीन होती है उस प्रोटीन को नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं.
तो नाइट्रेट में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये नाइट्रेट जो है नाइट्रोजन की एक फॉर्म होती है, इससे भी सॉइल की फर्टिलिटी रिगेन होती है। ओके, देन नेक्स्ट नाइट्रेट्स को क्या होता है, प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं और उसको अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन में कन्वर्ट कर लेते हैं, सो दे इस तरीके से भी वो उसको यूटिलाइज करते हैं। तो इस तरीके से देखिए क्या हुआ, ये फिर से एक रिसाइकल यहाँ पे क्रिएट हो गया, प्रोटीन डेड प्लांट से लिया, ठीक है, उसको नाइट्रेट में कन्वर्ट किया और उस नाइट्रेट को फिर से उन्होंने प्लांट में एब्जॉर्ब कर लिया अमीनो एसिड्स एंड फिर से प्रोटीन में कन्वर्ट कर दिया। तो ये इस तरीके से साइकिल भी कंप्लीट करते हैं। ओके, सी हियर द बैक्टीरिया एंड फंगी, उन्हें हम डिकम्पोजर्स बोलते हैं, वो भी डेड बॉडीज को डिकम्पोज करते हैं, सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। हियर इट इज द नाइट्रोजन साइकिल गिवन, नाइट्रोजन साइकिल यू कैन से दैट और द हाउ द सॉइल गेट रिप्लेनिश्ड। ओके, सी ये है देखिए स्टूडेंट, यहाँ पे प्रोड्यूसर्स है, प्रोड्यूसर ने सनलाइट से सन एनर्जी गेन की, फूड प्रिपेयर किया, उसको यूटिलाइज किया एंड आफ्टर दैट जब प्रोड्यूसर की डेड हो जाती है तो क्या हो जाता है, प्रोड्यूसर आर रिटेन बाय द कंज्यूमर, प्रोड्यूसर को किसने खा लिया, कंज्यूमर्स को, एंड व्हेन द प्रोड्यूसर गेट डाई, जब इनकी डेथ हो जाती है तो ये डिकम्पोजर्स के थ्रू डिकम्पोज कर दिए जाते हैं एंड फिर इस तरीके से सॉइल न्यूट्रिएंट्स बैक हो जाते हैं। एंड सेकेंडली जब ये कंज्यूमर्स के थ्रू खा लिए जाते हैं देन क्या होता है, कंज्यूमर्स की जब डेथ होती है तो ये डिकम्पोजर्स कंज्यूमर्स की डेड बॉडीज पर फीड करते हैं, दैट आर द बैक्टीरिया एंड फंगी, एंड दे रिटर्न द सॉइल न्यूट्रिएंट्स बैक टू द सॉइल, लाइक दैट दिस साइकिल कंटिन्यूसली गोइंग ऑन। ओके, सो स्टूडेंट वी हैव कंप्लीटेड अवर टुडेज कंटेंट, नाउ स्टूडेंट हियर वी विल डू द क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द मैथड्स बाय विच न्यूट्रिएंट्स इन द सॉइल कैन बी रिप्लेनिश, डिफरेंट मैथड्स बताने हैं। द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी आई हैव डिस्कस दिस टॉपिक टू यू, दैट सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड बाय क्रॉप रोटेशन मैथड, द चेंजिंग द क्रॉप फॉर एवरी सीजन, क्रॉप को एवरी सीजन में चेंज करते रहना चाहिए, कीपिंग द लैंड फर्टाइल, जिससे कि हमारी लैंड फर्टाइल रहती है, एज बाई ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप, लेग्यूमिनस क्रॉप को ग्रो भी कर सकते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज लीविंग द फील्ड फैलो, खेत को खाली छोड़ करके मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, द बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, यू कैन डिवाइड इट इन टू टू बट यू कैन इफ यू वॉन्ट टू एड इट यू कैन ज्वाइन दिस सेंटेंस एंड कम्प्लीट वन, बाय एडिंग मैन्योर, बाय एडिंग फर्टिलाइजर और बाय एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। ओके, नाउ दिस इज द लॉन्ग क्वेश्चन दैट यू हैव टू डू, इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू शो दैट हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर द फोटोसिंथेसिस, सो लेट्स सी द पेज नंबर 7। Assistant, this is the your answer of sixth question that you have to do. Okay, in this question you have to show that these are the material required for this activity and this is the method that you have to do. You can do. इसमें आपने देखो potassium वगैरह को इसमें डाल दिया है हमने, और इस तरीके से मतलब जब हम एक्टिविटी करेंगे देन व्हाट वी ऑब्जर्व, ऑब्जर्वेशन में क्या होगा कि जो लीफ बीकर में थी वो टर्न नहीं होगी आयोडीन सॉल्यूशन से ब्लू ब्लैक में, ठीक है, बट जो बाहर होगी वो टर्न हो जाएगी। ओके, नाउ द कंक्लूजन, व्हाट इज द कंक्लूजन, द लीफ इनसाइड द बीकर डिड नॉट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, जो लीफ बीकर में थी उसने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑकर नहीं किया बिकॉज वहाँ पे क्या था कि इसके अंदर पोटेशियम सॉल्यूशन डला हुआ था, सो दैट इज ठीक है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रीच नहीं कर पाई थी तो इसलिए वहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं हुआ, दैट वाई द लीफ इज इन, फिर वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑकर नहीं करेगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, एंड इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस विद यू चैप्टर नंबर 23 ऑफ सब्जेक्ट जीके हेयर क्लासेस 7th, chapter name is English terminology. In previous video I discussed with you chapter number 22. So let's start our then today's session, chapter is 23 English terminology. Previous video mein humne chapter number 22 discuss kiya tha, famous character. So let's start chapter number 23. Word फेराज विच आर यूज टू डिस्क्राइब थिंग इन ए पर्टिकुलर फील्ड और प्रोफेशन लाइक इंजीनियरिंग और मार्केटिंग, पीपल विद इन द सेम प्रोफेशन आर फैमिलियर विद देम वाइल अदर्स मे नॉट बी। तो ये कुछ वर्ड्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि ऑटोकैड है,
ऑटोकैड मैकेनिकल इंजीनियर का वर्ड है, लेकिन अगर उसको कंप्यूटर इंजीनियर है या फिर अदर जो है मार्केटिंग वाला है तो उसको समझ नहीं आएगा कि ऑटोकैड क्या होता है, मीन्स किस उसमें यूज होता है। तो इसमें प्रोफेशन के अकॉर्डिंग जो वर्ड यूज होती है उसके बारे में बताया, तो इसको क्या बोलते हैं, जर्गोन, शब्द जाल। नेक्स्ट वन है ए फिगर ऑफ स्पीच विच रिलाइज ऑन ए मिक्सअप ऑफ वर्ड्स विच हैव सिमिलर मीनिंग और साउंड। इसमें क्या होता है, कुछ वर्ड्स का मिक्सअप होते हैं जिसमें सिमिलर मीन जो उसका मीनिंग भी सेम होता है और साउंड अलग होती है, बस थोड़ी साउंड थोड़ी थोड़ी सेम होती है, थोड़ी अलग होती है। तो आंसर इज पुल्लिंग, जैसे कि बकरा बकरी। ओके, तो इसमें क्या है, साउंड ही थोड़ी अलग जा रही है लेकिन सिमिलर भी है उसमें। ओके, इंग्लिश में जैसे हॉर्स का मेयर, ये तो डिफरेंट सा हो गया, हॉर्स और मेयर दो डिफरेंट वर्ड हो गए। नेक्स्ट वन इज ए रेफरेंस बुक दैट ग्रुप्स ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग्स। एक बुक होती है जो रेफरेंस मीन्स किसी के रेफरेंस वाली बुक होती है, रिलेटेड किस रेफरेंस होता है, रिलेटेड ग्रुप्स ऑफ वर्ड अकॉर्डिंग टू देयर मीनिंग सो दैट द सिनोनिम्स और द सब्स्टिट्यूट्स वर्ड विल बी द सेम ग्रुप। ये एक बुक होती है जिसमें एक वर्ड होता है उसके बहुत सारे सेम मीनिंग गिवन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिक्शनरी भी बोलते हैं, शेरस भी बोलते हैं, ट्रेजर भी बोलते हैं। ओके, हिंदी में बोलते हैं शब्दकोश। नेक्स्ट वन इज ए टाइप ऑफ ह्यूमर ऑफ समवन समथिंग एक्सपेंस ऑफन विद द इंटेंशन ऑफ रोइनिंग और एटलीस्ट हर्टिंग देम। इसमें क्या होता है, एंटरटेनमेंट भी होता है और किसी को मीन्स कमेंट भी किया जाता है, जैसे जो किसी को हर्ट करने वाली बात भी बोली जा सकती है। तो ये क्या होता है, स्टायर, हास्य व्यंग। ओके, मीन्स जैसे हंसते हुए किसी के ऊपर कोई कमेंट करना, व्यंग का मतलब होता है कमेंट करना, किसी पे नेगेटिव बोलना किसी की तरफ। नेक्स्ट वन इज सब्स्टिट्यूटिंग ए वर्ड विद अनदर वर्ड व्हेन वन विच हैज ए सिमिलर साउंड ऑफन रिजल्टिंग इन ए होमरेस सेंटेंस। मीन्स क्या है, कई बार क्या होता है, कोई वर्ड होता है उसमें एक जैसे आवर्स है तो इसमें एच ओ यू आर है तो एच वाला साइलेंट हो रहा है, तो इस तरह से कई वर्ड ऐसे होते हैं जिसमें जो वर्ड होता है वो दिखने में अलग होता है और उसका साउंड अलग होता है, तो मिस यूज ऑफ एनी वर्ड हो जाता है उसमें। नेक्स्ट वन है ए वर्ड और एक्सप्रेशन दैट इज नेटिव टू ए पर्टिकुलर ग्रुप और रीजन। मीन्स किसी भी एक ग्रुप के साथ डिस्कस करने के लिए जो वर्ड एक्सप्रेशन मीन्स जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं उसको तो क्या बोलते हैं, कोलोक्विज्म। कोलोक्विज्म में बोलचाल की भाषा। नेक्स्ट वन है एन अल्फाबेटिक लिस्ट ऑफ वर्ड एंड फेराज अलोंग विद देयर मीनिंग विच बिलोंग्स टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये सेम ही है, ग्लोसरी भी एक डिक्शनरी की तरह ही होती है, इसमें उस जो भी वर्ड होता है उसको डिफाइन किया होता है। नेक्स्ट वन इज मिक्सिंग अप द फर्स्ट लेटर और सिलेबस ऑफ द वर्ड ऑफन रिजल्टिंग द ह्यूमरस सेंटेंस। तो आंसर इज पुनिजम, स्पीकिंग मिस्टेक। मीन्स कई जो वर्ड होते हैं उनको जो बोलने में जो मिस्टेक होती है उसको, जैसे लॉन्ग रोड है इस तरह इसको कुछ रॉन्ग रोड बोल दे तो क्या हो गया, इसमें स्पीकिंग मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट वन इज द स्टडी ऑफ ओरिजिन और मीनिंग ऑफ वर्ड्स इन टर्म ऑफ वर्ड फॉर्मेशन एंड सेंस डेवलप इज कॉल्ड, इसको एटिमोलॉजी बोलते हैं, शब्दों का उद्गम स्थल। नेक्स्ट वन इज फॉर्मेशन ऑफ नेम्स और वर्ड्स फ्रॉम साउंड दैट रिजेंबल दोज एसोसिएटेड विद द ऑब्जेक्ट और एक्शन टू बी नेम, इसको बोलते हैं ओनोमेटोपिया।
अर्थानुरण मीन्स वर्ड फ्रॉम द साउंड दैट रिजेंबल दोज एसोसिएटेड ऑब्जेक्ट, किसी चीज का एक्शन को एक्शन के अकॉर्डिंग नेम हो. ओके तो स्टूडेंट, ये इंग्लिश की कुछ टर्मिनोलॉजी थी जिसको हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं. ओके तो आपको इनको लर्न करना है एग्जाम के लिए. थैंक यू, हैव अ नाइस डे. मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस. दिस इज सरोज फ्रॉम एमएलपी इंटरनेशनल स्कूल राजपुरा. सो स्टूडेंट, फॉर सेवेंथ क्लास, in the previous video I just explained you the chapter 7 and its exercise. Now I just left the question answer yesterday, so now today we are going to do the question answer of this chapter. So let us start the question answer. See the question number 1. Why did Ramu's neighbors not like him? Ramu ke padosi Ramu ko kyon nahi like karte the? So students, see the answer number 1. Ramu's neighbors not like him because he always avoid his neighbors and did not help anyone in their trouble and never liked to spend anything even upon himself. Ramu ke jo neighbors the wo usko isliye like nahi karte the kyunki wo hamesha unhe neighbors ko apne ko avoid karta tha aur jab bhi unko kisi bhi koi bhi trouble hoti thi unko help nahi karta tha aur वो कोई भी चीज़ जो है उनके साथ जो है शेयर नहीं करता था और ना ही वो जो है अपने ऊपर जो है पैसे खर्च करता था. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 2. व्हाट वाज रामू ऑलवेज अफ्रेड ऑफ? रामू को हमेशा किस चीज़ का डर लगा रहता था? सो आंसर 2 इज रामू वाज ऑलवेज अफ्रेड दैट समबडी माइट स्टील हिज ऑल मनी फ्रॉम हिम. रामू को हमेशा डर लगा रहता था कि जो पैसा उसके पास है कोई उसे जो है उससे चुरा कर ले जाएगा. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट डिड रामू बरी ऑल हिज मनी? वेयर डिड रामू बरी ऑल हिज मनी? रामू ने अपने सारे पैसे कहाँ दबा दिए? So answer number 3 is Ramu dug a big hole under an old banyan tree and buried the box full of money inside the hole, covered it with soil and smoothed the earth carefully and marked the tree. Ramu ne jo hai ek bada gaddha khod kar banyan tree ke niche paison se bhara box jo hai rakh kar hole mein upar se cover karke use smooth surface kar diya earth ka और केयरफुली से और उसने उस बैनियन ट्री पर मार्क कर दिया. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 4. हाउ डिड द थीव्स कम टू नो अबाउट रामूज हिडन ट्रेजर? यानी कि चोरों को रामू के छुपे हुए खजाने के बारे में कैसे पता चला? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज द थीव्स केम टू नो अबाउट रामूज हिडन ट्रेजर व्हेन ही वाज मार्टरिंग. They keep close watch on Ramu and find the box of money. इसमें क्या है कि थीव्स ने जो है रामू का हिडन ट्रेजर ऐसे लिया कि जो रामू रात की नींद में बड़बड़ा रहा था और कह रहा था कि हाँ मैं कल सुबह तुम्हें देखने जरूर आऊंगा, और उस वक्त जो है इन्होंने छुपकर उसकी बातों को सुना एंड दे फॉलो हिम, और उसने उसके बाद उसके छुपे हुए खजानों को ढूंढ निकाला. नाउ सी द क्वेश्चन नंबर 7. हाउ डिड रामू गेन? नाउ क्वेश्चन नंबर 5. व्हाट डिड रामू डू व्हेन ही फाउंड दैट द मनी वाज मिसिंग? जब रामू को पता चला कि पैसे जो है मिसिंग है तो उसने क्या किया? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हेन रामू फाउंड दैट द मनी वाज मिसिंग ही वाज stunned and shocked to be collapsed. He started lamentations and mourning. तो उसने क्या किया जब उसको पता चला कि उसके पैसे जो है मिसिंग है? उसने जो है चिल्लाना शुरू कर दिया और शॉक लगा उसे, और वो जो है घबरा कर जो है कराना उसने शुरू कर दिया. Now see the question number 6. How did the neighbors tease Ramu when they came to know about the theft? रामू के जो है पड़ोसियों ने उसे कैसे चिढ़ाया जब उन्हें उसकी बातों उसकी चोरी का पता चला? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन से व्हेन द नेबर्स केम टू नो अबाउट द थेफ्ट
of Ramu. They tease him, but none of them felt sorry for the miser, and set him by saying that he deserved it. They said to him that now we won't have to worry about someone stealing for him. Now, इसका जो है नेबर्स ने उसको ऐसे चिढ़ाया कि जब उनको पता चला उसकी चोरी का, कि सबसे पहले तो उन्होंने किसी ने भी उसको सॉरी फील नहीं किया उसके लिए, और दूसरी बात उन्होंने उससे कहा कि तुम ये चीज़ डिजर्व करते हो, तुम्हारे साथ ऐसा ही होना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि अब तुम्हें जो है किसी भी चीज़ की परेशान होने के लिए ज़रूरत नहीं है कि कोई चीज़ तुमसे तुम्हारे से छीन लेगा, तुम हमेशा जो है परेशान रहते थे। Now see the question number 7. How did Ramu gain many friends? Ramu ko bahut se dost kaise mile? Now see the answer of this question. The loss of his money forced him to start working again. While doing his work, he used to think a lot of his views gradually began to change. With his hard working and good behavior, he gained many friends. यानी कि जब उसका पैसा उससे छिन गया था, चोरी हो गया था, तो इस बात को लेकर उसने उसको काम करने पे मजबूर कर दिया था, और जब वो काम करता था तो अपनी थिंकिंग के बारे में, वो पास्ट के बारे में सोचता था बहुत ज़्यादा, और उसकी इस सोच ने ग्रेजुअली उसको जो है चेंज कर दिया, और वो हार्ड वर्किंग के साथ साथ और अपने गुड बिहेवियर के साथ साथ उसने काफ़ी अपने दोस्त बना लिए थे। So this is the question answer of the chapter number 6. So student, आज की इस वीडियो में इतना ही। What you have to do, you have to just read it out and just do the revision of the whole chapter. And after that, as usual, जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में कहती आई हूँ, आप जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलें। So student, take care. Thank you. We will start with the next is models of permission. Models of permission is may, can and could. Permission के लिए हम कौन कौन से model use करते हैं? May, can और could. कैसे use करते हैं? To be formal ask. जब हमें किसी चीज़ से फॉर्मली रिक्वेस्ट करनी होती है और किसी से फॉर्मली पूछना होता है, तब हम यूज़ करते हैं मे। एग्जाम्पल इज मे आई लीव नाउ, क्या मैं जा सकता हूँ? मे आई कम इन, क्या मैं आ सकता हूँ? कैन इज़ यूज फॉर इनफॉर्मल परमिशन। इनफॉर्मल परमिशन मीन्स आप किसी वैसे बात कर रहे हैं, फॉर्मली बात नहीं कर रहे हैं, जैसे किसी भी अननोन पर्सन से बात कर सकते हैं, आप अपने फैमिली मेम्बर से बात कर सकते हैं बाय पुटिंग कैन। एग्जाम्पल इज कैन आई बोरो योर फोन टू मेक अ कॉल, यानी कि आप किसी से भी मांग सकते हैं फ़ोन, आप किसी पर्सन फॉर्मली पर्सन से नहीं मांग रहे हैं। कुड टू आस्क अ फॉर्मल परमिशन मोर पोलाइट देन मे। मे से ज़्यादा पोलाइटली आप मे कुड यूज़ करेंगे। Could you get me a glass of water? यानी कि क्या आप मुझे एक ग्लास पानी दे सकते हैं? To suggest a formal permission in the past. और permission जब हम लेते हैं तो हम past के लिए use could करते हैं। क्यों? क्योंकि could can का क्या है? Past tense है। Now on the basis of this rules we are having a exercise also. Now you can see here. For asking permission, models of permission. When you are asking for permission from your teacher to answer the question she has asked, ma'am, may I answer this question? यानी कि आपको इन questions का answer बताना है कि आप इसका answer कैसे करेंगे। When you want to borrow a book from your friend, may I, आप क्या लिखेंगे इसके साथ, जो आप answer करेंगे, may I take your book for some work, आप इस तरीके से आंसर करेंगे इस क्वेश्चन का। सो आप जैसे भी आंसर करेंगे इन क्वेश्चंस का, उसके अकॉर्डिंग आंसर करेंगे। When you want to use the computer in the school computer lab, ma'am,
may I want to use computer? आप ऐसे ही पूछेंगे. सो आप जैसे ही उस क्वेश्चन को आंसर करेंगे उसके अकॉर्डिंग आप इन आंसर्स को खुद लिखेंगे. दिस इज योर वर्क. नेक्स्ट इज फॉर पॉसिबिलिटी, कि काम को करने की कितनी पॉसिबिलिटी है कि वो काम कितनी देर में होगा. मे, माइट, कैन, कुड, हम चारों वर्ड्स को यूज कर सकते हैं. फर्स्ट इज मे टू इंडिकेट अ गुड पॉसिबिलिटी. गुड पॉसिबिलिटी के लिए हम यूज़ करेंगे मे. टू इंडिकेट अ वीक पॉसिबिलिटी, यानी कि काम करने की कम उम्मीद है, तो हम माइट यूज़ करेंगे. और माइट तो आपको पता ही है हम पास्ट टेंस के लिए यूज़ करते हैं. मे पास्ट टेंस है माइट. कैन का पास्ट टेंस है कुड. टू इंडिकेट जनरल एंड ओकेजनल पॉसिबिलिटी वी कैन यूज़ कैन. टू इंडिकेट अ वीक पॉसिबिलिटी, यानी कि कम क्षमता होती काम को करने की, तो वे विल यूज गुड. नाउ यू कैन सी द एग्जाम्पल्स. शी मे फाइंड टाइम टू हेल्प यू विद योर होमवर्क, ये ज़्यादा पॉसिबिलिटी है. गरिमा माइट वर्क टिल लेट टू नाइट, यानी कि ये कम पॉसिबिलिटी कि वो काम कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती. आई कैन कम विद यू टू द पार्टी टू नाइट, यानी कि मैं आ सकती हूँ. समीर कुड पार्टिसिपेट इन द मैराथन विद सम एनकरेजमेंट, यानी कि वो कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता. ऑन द बेसिस ऑफ पॉसिबिलिटी वी आर हैविंग अ बुक एक्सरसाइज ऑल्सो, सो यू कैन सी हेयर. परहैप्स दिव्या इज प्लेइंग द गिटार, आपको इसमें वर्ड क्या यूज़ करना है, मे. अब आपके साथ इनमें आपको पॉसिबिलिटी के ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनको यूज़ करके आपको सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं. So sentence is, we have not decided if we are going to Shimla for a holiday. तो आप इसके अंदर क्या फिल करेंगे, I have not decided, might, if we are going to Shimla for a holiday. तो इन दोनों के बीच में आप might put करेंगे. Have not, might, decided. यहाँ पे put करेंगे might. यहाँ पे आप might put करेंगे. We have not, might, decided if we are going to Shimla for a holiday. So next sentence is, I can't say whether Reema will win the singing competition. I can't say whether Reema. I can't से मे वेदर, से के बाद पुट करेंगे मे, वेदर रीमा विल विन द सिंगिंग कॉम्पिटिशन. आई एम नॉट श्योर इफ गीता विल कम टू द फॉर द पोएट्री रीडिंग सेशन. So, remaining two sentences, you have to do it on your own. Now, next topic we are going to start with in another video. I hope you understand these two topics of possibility and permission as we completed today. So, students, complete this book exercise in your FAIR notebook and write it down the rules also in the FAIR notebook. Thank you, everyone.